नमस्कार, बीसीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ वुमेन्स डे स्पेशल हमारे इस श्रृंखला में। और जिस तरीके से हम सभी को पता है कि एक सशस्त्र स्त्री का होना एक सशस्त्र समाज की नींव होती है, कहीं ना कहीं अगर एक महिला इंडिपेंडेंट रहे, आत्मनिर्भर रहे, तो उसकी वजह से हमारा जो समाज है वो भी कहीं ना कहीं सशस्त्र बनता है। और इन्हीं ऐसी सारी सशक्त स्त्रियों के बारे में, ऐसी ही सारी महिलाओं को लेके हम वुमेन्स डे स्पेशल एक स्पेशल सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज हमारे साथ है एक बहुत ही बोल्ड बिंदास सी मनिया, जिनका आज हम स्वागत करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट है ये, सर्जन है ये, डॉक्टर अरुंधति मराठे लोटे मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरीके से ये बोल्ड दिखती है उसी तरीके से ये बोल्ड और बिंदास है कहीं ना कहीं, और वही उनका काम भी उतना ही अच्छा परफेक्शन से भरा हुआ है कहीं ना कहीं। डॉक्टर अरुंधति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर एक बार। थैंक यू। और कहीं ना कहीं आप एक सर्जन है, तो वैसे ही महिलाओं को माना जाता है कि यार वो चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को भी अच्छे से सुलझा सकती है, और आप तो सर्जन है खैर, तो अब तो मैं बोल सकती हूँ अच्छे से कि यार सर्जन महिला है, होगा ही अच्छे से सब कुछ। ओके अरुंधति जी, कहीं ना कहीं हर किसी की जो जर्नी होती है वो शून्य से शुरू होती है। मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक जाने कि आपकी जर्नी किस तरीके से रही। मेरी जर्नी काफ़ी सिंपल थी पर काफ़ी एंथुजियास्टिक भी थी बचपन से। मतलब मेरे घर में काफ़ी, मेरे रिश्तेदारों में काफ़ी लेडी डॉक्टर्स हैं, मेरे आंट्स हैं, मासियाँ हैं, तो मुझे बचपन से ही वो एक इंस्पिरेशन रहा था। स्कूल के बाद जब मैं मेडिकल कॉलेज गई, उसके बाद मैंने वहाँ पे भी काफ़ी फीमेल डॉक्टर्स देखे, सर्जन्स देखे, तो एक इंस्पिरेशन मुझ में बना रहा। और मेरे घर में, मेरे खुद के घर में उस जमाने में 40 साल पहले, जब औरतें शायद इतना पढ़ाई नहीं करती थी, मेरे खुद के मॉम ने इंजीनियरिंग किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएट किया, एमटेक किया, अभी कुछ साल पहले उन्होंने पीएचडी भी किया। तो बचपन से मेरे लिए वो एक इंस्पिरेशन रहा है कि आगे जाके कुछ बड़ा करना है। अच्छा, तो मतलब बचपन से ही सारी, और वैसे भी घर पे पूरा डॉक्टर डॉक्टर वाला माहौल, तो डॉक्टर डॉक्टर ही खेलती थी बचपन ऐसा कुछ था। बचपन में तो मैं टीचर टीचर बहुत अच्छा थी, मुझे लोगों को डांटने मजा तो अभी पेशेंट्स को डांटते नहीं प्यार से उन्हें सर, क्योंकि अभी उनको डांट नहीं सकते। ओके, मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब ये घर के माहौल की वजह से आपने इस प्रोफेशन को चुना, या फिर पहले से ही आप में मतलब ऐसे सोच के रखा था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? मतलब जिस तरीके से आपने कहा कि आप टीचर टीचर खेलती थी, फिर डॉक्टर कैसे? तो मेरे घर में सारे इंजीनियर्स हैं, सारे पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, पर मेरे रिलेटिव्स में काफ़ी डॉक्टर्स हैं। मेरे नाना जी काफ़ी फेमस डॉक्टर्स हो डॉक्टर हो चुके हैं, यवतमाल में उनके नाम पे एक स्ट्रीट है खुद का, तो वो एक इंस्पिरेशन था। और जैसे समाज की जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो औरतों की सामने आती गई, जैसे मैं MBBS कर रही थी और वो सब चीज़ें मालूम पड़ी, तो और इंस्पिरेशन एक बढ़ता गया कि उनके लिए हम कुछ आगे आके करेंगे। ओके, डॉक्टर अरुंधति जी, आपसे ये सवाल था कि कहीं ना कहीं आपका जो करियर रहा है वो भी बहुत अच्छा, ऊंचाइयों से मतलब बहुत सारी उपलब्धियों से भरा रहा कहीं ना कहीं, और आप अभी भी ऊंचाइयों पर ऐसे जा ही रही है, कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ मैं जिसके लिए आपको। बट मैं चाहती हूँ कि आप हमारी सारी जो फीमेल्स है या फिर जितने भी दर्शक के, उन्हें आपके करियर के बारे में, जो करियर की जर्नी रही उस बारे में बताएं। मेडिकल कॉलेज के बाद, मेडिकल कॉलेज में हमारे 4 साल में फाइनल ईयर में पोस्टिंग होती है, इंटर्नशिप होती है, उस समय मैं जनरल सर्जरी में पोस्टेड थी, और काफ़ी कलीग्स थे, काफ़ी गर्ल्स बॉयज़ जो हम बोलते हैं, पर उस समय कैसे था कि मुझे सर्जरी में इंटरेस्ट आने लगा। और जब मैं लोगों को कहती थी कि मुझे सर्जरी करना है, तो लोग कहते थे कि लेडी सर्जन तो बहुत डिफ़िकल्ट है, आगे चल के तुम्हारे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगे, आप कैसे करेंगे? पर आई वॉज़ फॉर्चुनेट कि मुझे फैमिली सपोर्ट मिला, मेरे पेरेंट्स का मुझे बहुत सपोर्ट मिला। तो मेडिकल के बाद मैंने जब एग्ज़ाम दी और मैंने डिसाइड किया कि अब मैं सर्जरी करूँगी, काफ़ी लोग थे जिन्होंने बोला कि ये नहीं होगा, आगे चल के फैमिली संभालना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कैसे करोगे? बहुत डिमांडिंग ब्रांच है, आपको अवेलेबल रहना पड़ता है, बहुत एड्रेनालिन रश वाली ब्रांच है, तो कैसे होगा आपसे? पर मेरा फैमिली सपोर्ट था, मैंने सर्जरी किया। मेरे सर्जरी के बैच में मेरी एक और कलीग थी जो वो भी सर्जरी कर रही थी, तो वो 3 साल रेसिडेंसी के बहुत अच्छे से निकल गए। उसके बाद वो करते करते जो मुझे मोटिवेशन आया ब्रेस्ट कैंसर में कुछ करने का, क्योंकि जैसे हम पेशेंट्स देखते हैं, काफ़ी महिलाएं हैं जो इतनी झिझक रखती है कि सामने आती नहीं है, कैंसर बढ़ जाता है,
तो वो एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन था कि क्यों ऐसे कर रहे हैं, कि शायद अगर उनको कोई लेडी सर्जन मिले, लेडी डॉक्टर मिले, तो वो अपने कंफर्ट जोन में आके बात कर पाए. तो वो एक मोटिवेशन था. उस वजह से फिर मैंने थोड़ा ब्रेस्ट कैंसर और एंडोक्राइन में स्पेशलिटी की और वैसे ही आगे करियर किया. कहीं ना कहीं ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअली एक ऐसी चीज़ है जो महिलाएं छुपाते रहती है, बट अगर फीमेल सर्जन हो स्पेशली तो वो कंफर्ट जोन अपना बना लेती है और वही उसी चीज़ की वजह से वो बता, मतलब अच्छे से खुल के चीज़ें बता सकती है. और कहीं ना कहीं ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि हमें डॉक्टर से कोई चीज़ कहते हैं छुपानी ही नहीं चाहिए कुछ भी हो. और अगर सामने आपका कंफर्टेबल ऐसा कोई पर्सन बैठा हो तो ऑब्वियसली आप चीज़ें सारी अच्छे से बता सके और कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी उसका फिर अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं. अरुंधति जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इतनी सारी जर्नी में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने दिया, मतलब सबसे ज़्यादा ऐसा लगोगे कि अगर किसी ने आपको सवाल पूछा कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया तो बस इस नाम इंसान का नाम आता है, कौन है ऐसा? मेरे पेरेंट्स हैं. ओके. शादी के बाद मेरे हस्बैंड और फॉर्चुनेटली मुझे बहुत अच्छे इन लॉज भी मिले हैं जो अभी भी मुझे करियर ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं. बैकअप तो हमें लगता ही है फैमिली का, पर एक हमारे अंदर अगर डिटर्मिनेशन हो कि हम कुछ आगे चल के करें तो वो बैकअप का और अगर साथ उसमें ऐड हो जाए तो चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं. ओके. मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी कुछ अच्छे अच्छे आ रहे हैं उनके बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें होती हैं आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, ये इंस्पिरेशन होते हैं सारी महिलाओं के लिए. मतलब ये सारी चीज़ें इंस्पायर करती हैं कि यार हम भी ऐसे कर सकते हैं. मतलब बहुत सारे अभी दर्शक होंगे जो आपको देख के ये बोल सकते होंगे कि मुझे इनके जैसा कुछ करना है. मैं जानना चाहती हूँ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है मेरे कैंसर अवेयरनेस बेसिकली. जैसे मार्गरेट थैचर को आप जानते होंगे, यूके के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, लेडी प्राइम मिनिस्टर. तो उनसे पहले काफ़ी प्राइम मिनिस्टर्स आके गए, काफ़ी लीडर्स आके गए, पर जब वो आए, जब उनकी टर्म आई, तो उन्होंने सोचा अपने बाकी पॉपुलेशन के लिए, औरतों के लिए, और उन्होंने स्क्रीनिंग मैमोग्राफी का प्रोग्राम लाया पहली बार. वहाँ से स्टार्ट हुआ. जो मैमोग्राफी हम बोलते हैं कि हर साल आपको 40 इयर्स के बाद करना चाहिए ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होने के लिए, वो उन्होंने स्टार्ट किया. तो एक महिला थी, उन्होंने बाकी महिलाओं के लिए आगे चल के सोचा. यही मैं अपना गोल रखती हूँ कि सबके लिए कंपैशन से और बाकी सब महिलाओं के लिए मैं आगे चल के कैसे काम कर सकूँ. okay. यही मेरा फ्यूचर गोल है. अरुंधति जी, कहीं ना कहीं हम लोग, मतलब हमारी हर किसी की लाइफ में एक मोमेंट आता है जब हम लोग टूट जाते हैं, हम कह सकते हैं कि हमको लगता है यार अब नहीं होगा. बट ऐसा कोई अगर आपकी लाइफ में पॉइंट आया हो तो क्या बताएगी आप, और उसके बाद आपने उस चीज़ को ओवरकम कैसे किया, कैसे इंस्पिरेशन आई चीज़ों को करने की, उसके बारे में जानना चाहती हूँ. पॉइंट्स तो काफ़ी आते हैं, और अगर औरतों में तो वो बहुत ज़्यादा आते हैं. आपकी जैसे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, डेफिनेटली आप उससे भाग नहीं सकते हो, पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल के करियर करना, वो जो एक इंस्पिरेशन लगता है वो आपके अंदर होना ज़रूरी है कि आप इतनी पढ़ाई कर चुके हो, आगे आ चुके हो, तो अब क्यों रुके, आगे बढ़िए और कुछ करिए. तो जैसे व्हेन यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ मैन, बट व्हेन यू एजुकेट अ वुमन, यू एजुकेट द एंटायर जनरेशन, द एंटायर सोसाइटी. एक्चुअली सो आप नहीं अगर आप समझेंगे तो भी आपका इम्पैक्ट आपके आजू बाजू के लोगों में बहुत ज़्यादा होता है. हाँ. आपके अंदर वो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है. आई थिंक अ वुमन इन हर सेल्फ इज़ अ यूनिवर्स. एक्चुअली कैरीज अ स्ट्रेंथ इन हर सेल्फ जो बस बाहर आनी, उभरनी ज़रूरी है. बस उसका रियलाइज एक बार हमें हो जाए, वो वॉइस हमें अगर मिल जाए, तो देन देर इज़ नो स्टॉपिंग. जिस तरीके से आपने कहा अरुंधति जी, कहीं ना कहीं एक्चुअली ये चीज़ है कि वुमेन इज हरसेल्फ अ यूनिवर्स. और कहीं ना कहीं बहुत सारी स्त्रियों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी हम लोग इतने मॉडर्नाइज हो चुके हैं, इतने आगे बढ़ चुके हैं, सारी टेक्नोलॉजीज हमारे पास ऑलमोस्ट आ चुकी है, बट अभी भी अगर हम बोले तो बहुत सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जिनकी रूढ़िवादी सोच है. मतलब उन्हें लगता है कि लड़की तो है, क्या करेगी. ऐसे सारे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहती है? अनफॉर्चुनेटली वी लिव इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. मतलब पुरुष अगर कुछ करेंगे, उन्हें वो कुछ पहनेंगे, वो कुछ करेंगे, उन्हें कोई क्वेश्चन नहीं करता है, हमें करते हैं. तो इस पॉइंट पे मेरा ये ख्याल है, मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी से वैलिडेशन के लिए मत रुकिए. यू हैव टू वैलिडेट योर सेल्फ. कोई क्या कहेगा, या ये मैं करूँ तो लोग क्या कहेंगे, ये करूँ ये सही तो है, ये सब चीज़ों के लिए मत रुकिए. बस आगे बढ़िए और करते रहिए.
ओके अरुंधति जी, और एक सवाल था, मतलब वुमेन्स डे का ओकेजन है ऑब्वियसली, तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि स्त्रियों को इनका अधिकार मिलना चाहिए, ये चाहिए वैसे चाहिए। मैं आपसे चाहती हूँ कि मतलब आपसे जानना चाहती हूँ कि एक्चुअली एक लेडी को क्या चाहिए। मतलब जिस तरीके से भाषणों में कहा जाता है कि महिलाओं को ये चाहिए, महिलाओं को वो चाहिए, एक्चुअली एक लेडी को, एक्चुअली एक लड़की को क्या चाहिए? व्हाट डज अ वुमन वांट एक्चुअली? वुमन वांट्स पीस ऑफ माइंड, एंड टू हैव पीस ऑफ माइंड आपको खुश रहना चाहिए। आप तभी खुश रहेंगे जब आप अपने लिए कुछ करेंगे, जब आप अपनी मेंटल पीस रखेंगे, स्ट्रेंथ रखेंगे, तभी सब चीज़ें थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। तो लोग क्या कहेंगे, या मुझे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं ये नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकते, दोनों कर सकते हैं। फैमिली सपोर्ट हो ना हो, आप आगे चल के डेफिनेटली सब कर सकते हैं। अरुंधति जी, और एक सवाल था कि जिस तरीके से आपने बताया कि सर्जन जब आपने बनने का सोचा तो कई लोगों ने आपको बोला कि फीमेल सर्जन बनना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, आपको प्रॉब्लम होगी, तो ऐसे और कौन से मतलब आपने चीज़ें फेस की जो एक्चुअली सोसाइटी की हमारी सोच को बतलाती है, मैं जानना चाहती हूँ आपसे। सर्जन का था एजुकेशन वाइज कि कैसे आप आगे करेंगे। उसके बाद जब हमने डिसाइड किया कि अभी आगे चल के करियर में मैं कुछ करूँगी, तो फैमिली को संभालो, अपने बच्चों को संभालो, उसके बाद आप करियर कैसे करेंगे, इंडिविजुअली आप कैसे हैंडल करेंगे, तो ये सब चीज़ों को हर औरत मेरे ख्याल से टैकल करती है, सोसाइटी के क्वेश्चंस को टैकल करती है। स्ट्रेस आता है, काफ़ी चीज़ों में मैनेज करना पड़ता है। फॉर्चुनेटली आई हैव अ वेरी लविंग हस्बैंड, वेरी गुड फैमिली एंड परफेक्ट इन लॉज, तो वो सब चीज़ें निकल जाती है। बस एक डिटर्मिनेशन और वो अपने अंदर जील होना ज़रूरी है कि नहीं मैं कर लूँगी सारी चीज़ों को। अरुंधति जी, एक और सवाल जो था आपसे कि कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो सर्जन बनना चाहती है, तो उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, ऐसी सारी महिलाओं को आप क्या कहेंगी? दिक्कतों का सामना तो डेफिनेटली करना पड़ता है, पर जैसे मैंने अभी कहा कि बस मैं कर लूँगी, इतना ही सोचिए। नोबडी इज परफेक्ट, आपसे गलतियाँ होंगी, सबसे गलतियाँ होती है, पर लोगों के लिए मत रुकिए उसके ऊपर कमेंट करने की वो सही है या नहीं। okay. आप खुद को वैलिडेट करिए और आगे चलिए, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। अरुंधति जी, जिस तरीके से आपके बारे में अब तक हमने बातचीत की, कहीं ना कहीं एक्चुअली आप एक बोल्ड, बिंदास और इंडिपेंडेंट, जिस तरीके से मैंने कहा, एक ऐसी वो मनिया है जो बहुत ही ज्यादा बोल्ड टाइप्स की है, बिंदास भी है, इंडिपेंडेंट भी है, और खुद के करियर को लेके समाज के हित में काम करने वाली है। इसके अलावा आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने फ्री टाइम में, लेजर टाइम में करना पसंद करती हैं? क्योंकि करियर तो खैर अपार्ट, फैमिली को संभालना, ये सारी चीजें, और ऐसी चीजें जो आप ऐसे ही अपने लेजर टाइम में करना चाहती हैं? तो लेजर टाइम में मैं अपना क्रिएटिव हैट पहन लेती हूँ, पेंटिंग करती हूँ, काफी स्केचिंग करती हूँ, वो मेरा लेजर टाइम है। उससे एक अंदर से पीस ऑफ माइंड बना रहता है, कामनेस बना रहता है कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ। ओके मतलब, और ये एक आखिरी सवाल जो आपसे मेरा है कि वुमेन्स डे का मौका है, BCN के ऊपर एक इंटरव्यू आपका खास मुलाकात चल रही है, तो सभी तमाम दर्शक जितने भी हमें देख रहे हैं, जितनी महिलाएं हैं, जितने भी लोग हैं, इन स्पाइट ऑफ द जेंडर भी हम कह सकते हैं, उन सभी दर्शकों को, उन सभी महिलाओं को, उन सभी लोगों को आप क्या कहना चाहती है? ओके, सो इफ बाय स्ट्रेंथ यू मीन मॉरल पावर, देन अ वुमेन इज इमेजरेबली सुपीरियर टू अ मैन। ओके, तो मैं अपने अंदर डिटर्मिनेशन रखिए, भरोसा रखिए, वो विश्वास रखिए कि आप आगे कुछ कर सकते हैं, और बस बढ़ते रहिए, बस बढ़ते रहिए। कहीं ना कहीं जितनी भी महिलाएं हमें देख रही है, सुन रही है, जरूरी ये है कि खुद पे विश्वास रखना चाहिए, और लोग बोलते रहेंगे, लोगों को बोलने दीजिए, बट यही है कि अगर आपके अंदर कुछ अच्छा कर गुजरने की शक्ति है तो यकीनन आप उस चीज़ को पालेंगे, जिस तरीके से हमारी बोल्ड, बिंदास और इंडिपेंडेंट वुमन या डॉक्टर अरुंधति मराठे लोटे ने अपने सारे जो सपने थे उनको पूरा किया है, और आगे भी इंशाल्लाह सारी चीज़ें आप पूरे करेंगे, और जितनी भी आपको जितनी भी आपकी ख्वाहिशें हैं उन्हें आप पूरा करेंगे, बस यही दुआ है। और साथ ही
थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे. इट वाज एक्चुअली ग्रेट टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे. थैंक यू सो मच. और कहीं ना कहीं हमारी आज की ये जो वुमेन्स डे स्पेशल श्रृंखला वाला ये एपिसोड है, इसमें फिलहाल के लिए इतना ही. और ऐसी अन्य अपडेट्स के लिए, ऐसी और अन्य खबरों के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज़. नमस्कार.